हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, अपना छत्तीसगढ़ से आज मैं झारखंड जा रहा हूँ, गुमला जिला, जो कि लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मैं आज जा रहा हूँ एक भैया जी का गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए गुमला मारुति सुजुकी शोरूम में। और मैं अभी निकल गया हूँ घर से। इधर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। कुछ ही दूर में लोरो घाटी पहुँच जाऊँगा मैं। यहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोगों को मैं लोरो घाट का भी नज़ारा दिखाऊंगा। आए दिन वहाँ पर गाड़ी पलटती रहती है, तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। आप लोगों को मैं लोरो घाट का भी सीन दिखाऊंगा, काफ़ी ज़बरदस्त है। फूलों का भी घाटी कहा जाता है हम लोग का इस लोरो घाटी को। सीन देखिए, इधर देखिए यार, यहीं से प्रारंभ हो जाता है लोरो घाटी। ऊपर में देख सकते हैं मंदिर दिखाई दे रहा है, शिव जी का है वो। और मैं अभी लोरो घाट पहुंच गया हूं और चढ़ना प्रारंभ कर दिया हूं। इधर देख सकते हैं एक गाड़ी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कितने सारे गाड़ी यहाँ पर लड़ती रहती है डिवाइडर पर। इधर देख सकते हैं काफी जबरदस्त सी एक्सीडेंट किया हुआ गाड़ी। और इस साइड में है दोस्तों शिव जी का मंदिर। अभी ऊपर मैं चढ़ गया हूँ और बड़ा सा तिरंगा झंडा लहरते हुए। चलिए आप लोगों को मैं पास जा करके दिखाता हूँ। अभी मैं समीप ही पहुँचने वाला हूँ। इधर देख सकते हैं शिव जी का मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस साइड में है पहाड़ दो। मेन गेट दोस्तों यहां से मंदिर तक के लिए बनाया गया है। इधर देख सकते हैं, इधर से एंट्री करके मंदिर की ओर लोग जाते हैं। और काफ़ी लंबा चौड़ा ये घाट है, अभी तक से भी समाप्त नहीं हुआ है। बाकी जो मेन घाटी था वो ख़त्म हो गया, बाकी इधर बाकी है। फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव। और यहाँ एक नदी बहता है जिसका नाम है शंख नदी। उस नदी को कहा जाता है शंख। और शंख नदी दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीचों बीच ये बहता है और ये झारखंड राज्य की ओर चली जाती है। चलिए उस नदी को भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। उससे पहले एक पड़ेगा टोल गेट, ये फिलहाल ही में बना है। जसपुर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में ये टोल प्लाजा बना हुआ है। और मैं अभी लोदाम पहुंच गया हूं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है। इसके बाद में झारखंड राज्य का सीमा में मैं घुस जाऊंगा। और मेरे घर से लगभग मेरे को जाना पड़ेगा मारुति सुजुकी शोरूम गुमला का। लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पड़ता है मेरे को। तो अभी ये देख सकते हैं, ये है लोदाम। और यहाँ से टोल प्लाजा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है। इधर देखिए, काफी बड़ा गांव भी नहीं है, ठीक ठाक गांव है, लोदाम कहते हैं इसको। देखिए रोड से ही आप लोगों को मैं नजारा दिखा रहा हूँ। यहाँ बैरियर भी पड़ता है, बैरियर भी बनाया गया है। आगे है
देखिए यार, मैं बैरियर अभी पहुंच गया हूं। चलिए पार करके मिलता हूं आप लोगों से। देख सकते हैं ये है बैरियर और अभी एक गाड़ी पार हो रहा है, इसके बाद में अपन लोग पार हो जाएंगे। यहां पर टोल प्लाजा बनाया गया है और अभी मैं अभी इंटर कर ही चुका हूं। चलिए दोस्तों, अभी मैं जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर में जो नदी बहता है वहाँ पर पहुँच गया हूँ और ये है शंख नदी दोस्तों। ये सीधे उड़ीसा राज्य की ओर चली जाती है। यह नदी काफ़ी बड़ा है, शंख नदी कहा जाता है इस नदी को। आप लोग देखिए, इससे नीचे पहले पुलिया था, वो कुछ कारणवश खराब हो गया, टूट गया, तो ये नया पुल बनाया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त रोड है और यहाँ से हम लोग का जो सीमेंटेड रोड है वो ख़त्म हो जाता है, फिर झारखंड का रोड अभी पकड़ेंगे। नदी के उस पार से झारखंड का सीमा प्रारंभ हो जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ सीमा अभी समाप्त हो गया है और झारखंड की सीमा में अभी मैं इंटर कर चुका हूँ। और इधर यार देख सकते हैं, सीमेंटेड रोड खत्म हो गया, ये है डमरीकरण वाला रोड, ताकि ये रोड भी अभी बनते आ रहा है 4 लाइन में। तो चलिए आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ। ये है दोस्तों गुमला सिटी, अभी सारा चौक मैं पार कर लिया हूँ। ये बाहर का नज़ारा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बाकी ये अभी मैं कुछ ही देर में शोरूम पहुंच जाऊंगा मारुति सुजुकी का, तो चलिए अभी मैं सीधे निकलता हूँ। फाइनली दोस्तों गाड़ी का सर्विसिंग हो गया है और शाम का 5 बज चुका है। गुमला टाउन भी मैं निकल गया हूँ और चलिए आप लोगों से आगे रास्ते पे मिलता हूँ। इधर देख सकते हैं गुमला सिटी, अभी मैं निकल ही गया हूँ। मुझे घर पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा का समय लग जाएगा। बाकी देखते हैं, अभी भीड़ भाड़ वाला इलाका तो हम निकल गए हैं। यहाँ से बाईपास रूट भी ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट सामने में ही है। काफ़ी शानदार व्यू लग रहा है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है, बड़ी गाड़ी तो इधर नहीं चलती है क्योंकि बाईपास रोड निकाल दिया गया है और दिन में इधर नो एंट्री लगा दिया जाता है, जिसके कारण से बड़ी गाड़ी इधर नहीं आ पाती है। बाकी छोटे गाड़ी तो एनी टाइम पूरा आते जाते रहता है भाई, लेकिन गुमला पूरा भीड़ भाड़ रहता है। गुमला में ज़्यादा तो ऑटो और रिक्शा वाले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। फाइनली दोस्तों अभी मैं गुमला टाउन से बहुत ही बाहर आ गया हूँ। यहाँ देख सकते हैं एक बड़ी गाड़ी जा रही है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यही है बाईपास दोस्तों, सीधे रांची रोड मिलाता है, बाईपास बनाया गया है और छोटी गाड़ी इधर से भी जा सकते हैं रांची सीधा। तो चलिए आप लोगों को सीधे माझा टोली में मिलता हूँ मैं। फाइनली दोस्तों अभी मैं माझा टोली पहुँच गया हूँ। यदि इस रास्ता में सीधे जाएंगे तो हम लोग को टांगीनाथ महुआ डांड वो सारे जगह निकला देगा, लेकिन हम लोग जाएंगे अभी लेफ्ट टर्न, सीधे जसपुर के लिए निकलूंगा मैं। और ये माझा टोली का झारखंड का अंतिम गांव है ये, इसके बाद में सीधे हमारा छत्तीसगढ़ में इंटर कर जाऊंगा मैं। इधर देख
सकते हैं। शंख नदी का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। अभी मैं पहुंच गया हूं अपना बॉर्डर दोस्तों, यहां से मैं अभी इंटर कर जाऊंगा हमारा छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में रोड ज़बरदस्त बना हुआ है और ये नदी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी पानी है इसमें, शंख नदी है ये दोस्तों। छत्तीसगढ़ सीमा प्रारंभ यहीं से हो जाता है अपना, क्योंकि शाम का 6 बज चुका है और मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और अकेले हूँ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इधर एक बॉर्डर लगा दिया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों जो दिखाई दे रहा है वो है हमारा जसपुर नगर, और अभी मैं जसपुर इंटर कर चुका हूँ, बाईपास में ही हूँ, जसपुर पूरा नहीं घुसूंगा, बाहर बाहर बाईपास में निकलता हूँ। यहाँ से लगभग हमारा घर 25 किलोमीटर हो जाएगा, तो चलिए अभी निकलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों से मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ। तो चलिए अभी समाप्त करते हैं, मैं अभी मेरा घर लगभग 5 किलोमीटर बच गया है, तो चलिए